हेलो एंड वेलकम टू बातें स्वाद अनुसार। ब्रो अब समझ आ रहा है घर में कौन बातें करता है। एक दुखी भी देना दिया। वाह ये तो लग के राजी नहीं है। रेडियो कहाँ गए? वो भी जमाने हुआ करते थे जब हम रेडियो सुना करते थे। लेकिन अब रेडियो की जरूरत नहीं क्योंकि रेडियो स्टेशन का स्टेशन मेरे साथ में है। हेलो व्हाट्स अप हाउ आर यू? वेरी गुड थैंक यू अनमोल एंड एवर ब्यूटीफुल वाओ अमृता थैंक यू। वेलकम टू ये हमारे शो का नाम है बातें स्वाद अनुसार। वाह और स्वाद तो वैसे ही आ गया आप लोगों को देखकर आपके साथ में। क्या मुस्कुराहट है अनमोल? अरे बस आपसे थोड़ी सी कम है। नहले पे दहला है बहुत बढ़िया। बट सबसे पहली बात तो ये कि बातें स्वाद अनुसार की किस्मत अच्छी है। वेरी सक्सेसफुल एक्टर, वेरी सक्सेसफुल आरजे। थैंक यू। साथ में जो कहानी शुरू हुई। अच्छा कहानी से मुझे याद आया रेडियो में ऐसा मैंने सुना है कि आपने ऑन एयर प्रपोज किया। जी बिल्कुल। और ये नहीं सुन रही होती तो सर आप मतलब मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आई एंश्योर दैट शी इज लिसनिंग टू मी। ओके। एक दिन ऐसी मैं रात को अपना शो पुरानी जींस कर रहा था, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं तुम्हें सुन रही हूँ। बस उसी वक्त दिल में एक बात आई कि यही सही टाइम है, यही सही जगह है, आज अपने दिल की बात उतार देनी चाहिए रेडियो के ऊपर। तो मैंने इनको मैसेज किया आप सुन रही हैं, सुनती रहना। तो आपका जो जवाब है कि सुन रही है कि नहीं, ठीक है, वो इंश्योर कर लिया कि सुन रही है। और उसके बाद चलाया सर इनका एक बड़ा गजब का एक फेवरेट सा गाना, बड़ा रोमांटिक सा, माइक ऑन किया। और हम आरजे दुनिया भर के लोगों के दिलों की बातों का इजहार करते हैं, चिट्ठियां पढ़ते हैं। बस मैंने वहीं से एक पेपर उठाया खाली और उसको ऐसे दिखाया कि मैं चिट्ठी पढ़ रहा हूँ। विक्की नाम के लड़के की चिट्ठी आई है क्योंकि मेरे घर का नाम विक्की है। और वो पायल के लिए कुछ कह रहा है, इश्क विश्क में इनका नाम पायल था। तो इन्हें समझ में आ रहा था कि विक्की अपने दिल की बात यहाँ तक पहुंचा रहा है। तो रेडियो पे प्रपोज किया उनको और उसके बाद एक गाना चलाया कि चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है। तो कैसे रिएक्ट? मेरा ऐसे ही था कि यू नो ही सेड इफ यू हैव द सेम फीलिंग प्लीज कॉल मी। I immediately called him and said, "Arey yaar, ye bakwas." I just overlooked it. इन्हें लगा मजाक हो रहा है। हाँ, मैं मजाक नहीं, मुझे पता था इनकी feelings हैं, but I didn't want to give it any importance because मैं उस zone में नहीं थी, तो मैंने ऐसे नजरअंदाज किया। I was like हंसते खेलते उसको निकाल दिया उस बात को। And by that time, you were the Amrita Rao, right? Yeah. क्या क्या मूवीज, मतलब मैं हूँ ना, विवाह, इश्क विश्क, मतलब that. Yeah. विवाह के जस्ट एक एक दो साल बाद जवानी मुलाकात हुई थी। अच्छा विवाह तो बाद में हुआ। विवाह बाद में हुआ। पहले गुप्त विवाह हुआ फिर पब्लिकली विवाह हुआ। इनके पिताजी से मिला मैं पहली बार। उनके ऑफिस में गए, लड़की के बाप से मिल रहे हैं सर, आप देखिए पूरा फिल्मी सीन है। करेक्ट। लड़की का बाप भी मैं हीरोइन का बाप मिल रहा है। बिल्कुल। एक लड़का जो कि आरजे है अभी, क्या तो उन्होंने आते हमसे हाथ मिलाया और बोला यू आर द 36th बॉय शी इज गेटिंग मी। I said, don't worry, sir, I'll be the last. Nice. तो वहीं का उनको पता लग गया मामला टक्कर का है। ध्यान से आराम से। वाह क्या बात है। तो चलिए ये फैमिली की बात हो गई, एक्टिंग की बात हो गई, आरजे की बात हो गई। आरजे का औहदा आपने इतना बड़ा कर लिया, फिर कहा कि नहीं अब मेरा रास्ता जो है मैं उसको बदल रहा हूँ और आपने साथ में काम करना शुरू कर दिया। जी साथ में क्या किया जाए, तो हमें लगा कि इस दुनिया में अगर हम प्यार के सौदागर बन जाएं, प्यार बांटें, दुनिया में प्यार की बातें करें तो कितना अच्छा रहेगा। तो शुरुआत की कपल ऑफ थिंग्स की, जिसमें शुरुआत अपनी प्रेम कहानी से। अपनी प्रेम कहानी से शुरू हुई एक्चुअली एंड नाउ वी टुक इट फॉरवर्ड टू अदर लव स्टोरीज। नाइस। तो आपने इसको YouTube पे चैनल क्रिएट किया? यस यस, इट्स कॉल्ड कपल ऑफ थिंग्स। तो कपल ऑफ थिंग्स को कितना समय हो गया? करीबन इसको 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। तो सुना आपको गाना बड़ा अच्छा लगता है? हाँ बहुत अच्छा गाती हैं। हाँ हाँ वैसे फिल्मों में तो गाना वाना कभी गाया वैसे कोई? नहीं मेरी फिल्मों में मैंने कभी नहीं गाया। दूसरी फिल्मों में गाया? नहीं। गाने का करियर है बहुत जबरदस्त या हो सकता है वो पता चलेगा। नहीं 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 मतलब जो शुरुआत तो करके बताओ जाए कितना जबरदस्त होता है। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए
बिन तेरे तेरे बिन साजना सांस में सांस आए ना हो। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत ही सुरीला गाया अमृता। नहीं बिल्कुल 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 जब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ तेज आग आपके साथ खेली जाए, रैपिड फायर। रैपिड फायर। इतने सारे फिल्म स्टार के साथ अपने आप काम किया, किसके साथ सबसे ज्यादा काम करने का? शाहिद। आपने इतने सारे फेमस पर्सनालिटीज को इंटरव्यू किया रेडियो के ऊपर, सबसे ज्यादा देवाना। क्या बात है। आपका फेवरेट सॉन्ग जिसमें अमृता ने चले जैसे हवाएं? इट इज ऐसा कोई डायरेक्टर जिसके साथ फिर से काम करने की इच्छा? सूरज बजाजिया। अनमोल, एज अ फादर और अ हस्बैंड? एज अ फादर, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड फादर एंड मैं भी इनकी बच्ची हूँ। हाय हाय, तर देगा कहाँ ना बेटा है। मतलब अब समझ आ रहा है घर में कौन बातें करता है। समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। पहली बच्ची तो मैं ही हूँ। ओके, देखिए पुरानी जीन्स, आपको पुराने गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल, फिर भी आज के गाने या रेट्रो? क्योंकि मेरे इमोशंस रेट्रो गानों के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे माता पिता हमेशा रेट्रो गाने सुनते थे, तो मेरे इमोशंस रेट्रो के साथ ज़्यादा जुड़े। सो कपल ऑफ थिंग्स में एज अ कपल, कोई एक एडवाइस जो आप बाकी सब कपल्स को देना चाहिए? सो आई थिंक नेवर टेक अ फाइट टू द नेक्स्ट डे, फिनिश इट ऑफ। रात भर चला लो, सुबह मत करो। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताओ, इतनी पूरी दुनिया घूमी, कोई ऐसा फेवरेट डेस्टिनेशन? प्राग। रिसोटो या खिचड़ी? खिचड़ी। रिसोटो या खिचड़ी? सर खिचड़ी हमारी प्रेम कहानी में इतनी इम्पोर्टेंट है कि खिचड़ी को मैं छोड़ नहीं सकता। ऐसा? जी, पहली मुलाकात में मैंने ऑर्डर की थी खिचड़ी। इन्होंने पूछा था क्या खाना है, मैंने बोला खिचड़ी। जब इन्होंने सोचा शायद, जब ये मेरे रेडियो स्टूडियो आई थी, तो मुझे लगा भाई बॉलीवुड स्टार अब आई हैं, रात का टाइम हो गया, कुछ खिलाएं, कुछ ऑब्वियसली चाइनीज मैक्सिकन कुछ ऐसा बोलेंगी, तो मुझे क्या चाहिए? खिचड़ी। मैं वो सोच रहा हूँ कि इतना वैलेंटाइंस डे पे ऐसे डिनर, और ये पता चला गए पूरा उन्होंने सजाया हुआ, सब कुछ तैयारी की, एक दो खिचड़ी दे दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल वही, बिल्कुल हमारा खिचड़ी तो हमारे जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले कौन एक्ट कर रहा है? वी शुड स्टार्ट विद द एक्ट्रेस। ओह यस, इट इज सो इजी। क्या कर रहे हैं हम? सही बात है। तो मुझे एक्ट करके बताना है। हम दोनों गेस्ट करके। हां, आपको बोलना नहीं है डम शरारत कैसे होता है। मतलब ऐसी कोई चीज है जो खाई नहीं जा सकती है। ओके ओके, तो मतलब हमारे को हिंदी में है? हाँ हिंदी में। मैंने बोल नहीं सकती। मैं बोल नहीं सकती हूँ। गॉड, दिस इज स्पीकी एक्चुअली। एक्टिंग पावर एट स्टेक। राजमा चावल। चावल खा रही हो? पांचों उंगलियों से खा रहे हो? सांबर। इसमें चावल है। चावल, राजमा चावल, तो चावल वाली चीज। अच्छा, एक डिश है, दो डिश है? एक डिश है। खिचड़ी। खिचड़ी। सर, आप देख रहे हो हमारा मतलब, खिचड़ी का मतलब आप संबंध देख रहे हो सर। तभी मेरी वो हंसी आ गई, बिकॉज खिचड़ी की बात ही हो रही थी और निकल गई खिचड़ी। मतलब सारे चिट्स में से, दिस इज लाइक टू मच, सारे दिस इज टू मच, टू मच, टू थ्री मच। चलिए सर, आप लीजिए। अब मैं ले लूं? ओके चलो ठीक है। Let's see the acting skills of the chef. Yeah. All right. Okay. Two words. दो वर्ड्स, दूसरा वर्ड बता रहे हो? ओके, ये छौंका मारा है। ओके, छौंका मारा है, किसमें लगता है छौंका भाई, बताओ। दाल तड़का। अच्छा, नहीं नहीं, दाल ठीक है, दाल फ्राई, दाल 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 मखनी, नहीं दाल कुछ तो करो सर, सेकंड वर्ड के लिए कुछ तो बताओ। हाँ, दूसरा वर्ड ये स्ट्रेट ड्राइव, नहीं शॉर्ट, बैट, कार बैट, दाल पकवान, दाल बाटी। दाल बाटी। ओह माय गॉड, इजीियर ईटन
and then described. Okay. Oh. अरे वाह 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 बहुत बढ़िया. हिंदी है. दो वर्ड्स हैं. चाट रहे हो कुछ? कुल्फी. ओह मलाई कुल्फी. क्या बात है. Bro, can please don't hold the applause, everybody. क्या बात है. अब ये मैंने अंकु क्यों बोला और आपको क्यों नहीं बोला? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर में जब मलाई कुल्फी आती है तो हमारा बेटा वीर जो है उसको ऐसे कहता है, इसलिए it was easy. पर मैं अब थोड़ा सा मतलब मुश्किलें बढ़ाते हैं हो जाए और कुछ और गेस करवाता हूँ. ओके चलिए सर चलिए बिल्कुल. अच्छा आपको करना ये है गेस करना है इसमें इंग्रेडिएंट क्या है लेकिन एक बताएगा कि अंदर क्या फील हो रहा है तो उससे इंग्रेडिएंट गेस करना है. Very easy. Simple. Touching grass. Touching grass? हाँ, like you're touching grass. Very basic feeling है. घास. खाने की चीज लग रही है. हाँ हाँ. खा सकते हैं इसको. तो घास तो खाते हैं हम लोग तो अक्सर खाते हैं. चढ़ते हैं हम लोग. तो vegetarian हैं. Our country is obsessed with this. Our country is obsessed with this. Obsessed. Okay. अरे यार कुछ और बताओ ना. चाइनीज में भी पड़ता है. ओ अच्छा 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 अच्छा. वो जो ऊपर हरे हरी लंबी लंबी पतली पतली घास होती है वो. उसका नाम भी होता है. अरे वो जो एक ड्रिंक में भी पड़ती है वो लेमन ग्रास. नो. अच्छा इंडियन इंडियन चीज है. इंडियन यार घास ये. अच्छा अब एक काम करते हैं आप आ जाएं. अब आप टच कर लो. अच्छा तो मैं एक एडवांटेज करो करो एक और लो. धनिया. हाँ यही आप यही बता रही थी. दोनों को लग रहा है सही है. आप जरा देखो क्या है. क्या बात कर रहे हो. धनिया नहीं है. मैंने देखा नहीं है. मैं तो खुद पूछ रहा हूँ. अच्छा मैंने कौन सा देखा है. दिखाइए. आप कह रहे हो इतना कॉन्फिडेंस है तो धनिया ही. एक मिनट क्या है ये सर. एक मिनट सर आप जाट आदमी से सब अंग्रेजी चीजें मत बजवाओ. कजन ऑफ धनिया. अच्छा फील धनिया का होता है लेकिन धनिया नहीं है ये. दिल है ये. दिल दिल दिल. सुआ भी बोलते हैं इसको. शापू. हाँ शापू. करेक्ट करेक्ट. शेपू शेपू शेपू. करेक्ट. ये सर हमारे सिलेबस के ना बाहर की चीज है. बिल्कुल कहीं भी हमने कभी कभी मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं. मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा ये. पर देखो इसीलिए मुझे देखा पहले नहीं थी हमने. बट टेस्टी था ना. बहुत टेस्टी है. बहुत मजेदार. फिर आपने मेरा कॉन्फिडेंस ना बिल्कुल हिला के रख दिया. अरे नहीं नहीं आपने सुआ हुआ दिया है ना मुझे. उसके बाद मुझे नहीं पता यहाँ पे कभी क्या हुआ. सुए से हम सिल्ली को तोड़ते थे पहले. ओके हाँ तुम्हें बता रहा हूँ. मैं हिंट दे रहा हूँ तुम्हें. ये जो हमने शायद साथ में एक बार पहली बार देखा था जब हम बाली में थे और हम नीचे ब्रेकफास्ट के लिए गए थे. वहाँ की स्पेशलिटी है. और चाइनीज वाइनीज में क्या होता है वो जो सब बहुत एंशंट क्या कहते हैं उसको एक उनका एक एनिमल क्या कहते हैं उसको. बैंडा. उसके नाम पे एक फल भी है. इट्स द ट्रेडिशनल फ्रूट ऑफ थाईलैंड आई थिंक. हाँ हाँ उसका नाम बहुत ऐसा ड्रैगन फ्रूट. लाल फीका पिंक मशरूम. नो नो इट्स लाल भी होता है पिंक भी होता है. सम काइंड ऑफ सीड्स. पंजाबी लोगों का ना इसके बगैर गड्डी आगे नहीं है. पंजाबी पंजाबी तो पास्ता ही खाते हैं जी. सरसों 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 का साग. नहीं 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 ये बन नहीं होते हैं. संडे को तो बन नहीं होते. अच्छा नहीं संडे को देखो हमारे यहाँ कभी कभी कड़ी बनती थी कभी राजमा बनता था. राजमा है. सर मतलब टू मच. नाइस. सो नॉट बैड. सीरियसली खिचड़ी हमारे यहाँ पे बनती है. पालक वाली खिचड़ी हफ्ते में एक बार घर पे जरूर बनती है. सो पालक वाली खिचड़ी तो कुछ नहीं है एक्चुअली. उसको मटके के अंदर बनाते हैं. तो यहाँ पे मेरे पास ये बर्तन है तो मैंने सोचा कि आप लोग आ रहे हो खिचड़ी इतनी पसंद है आपको तो पता नहीं किचन में कितनी बार जाते हो आप लोग में से कौन जाता है. तो इसके लिए 15 साल की जिंदगी में मैंने 10 बार देखा है. हाँ तो घर में रहा करो ना. नहीं मैं तो घर पे ही रहता हूँ. करेक्ट. आई शुड यूज दैट लाइन. ये एग्जैक्टली इट्स इसमें पूछने की बात ही नहीं है. तो दाल चावल नमक थोड़ी सी हल्दी
डाल के प्रेशर कुक किया, पानी में डालना है ओके और फिर अब इसमें तड़का लगाना है। घी जो है ना ये हेल्दी वाला होता है। अच्छा तो ये बन गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी पालक को प्यूरे करना है, तड़का लगाना है और पालक वाली खिचड़ी तैयार होगी। बट लेकिन पालक की खिचड़ी के लिए थोड़ी यहाँ आया था। अच्छा कि देखो ये किचन में कितनी बार गए, ये कभी नहीं, कभी नहीं लिखते भी नहीं, आज किचन में है। हाँ। तो आज हम इनसे काम करवाते हैं। अब तुम्हें सेकना है पापड़। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ। अपनी सीधा गैस पे उंगलियों से ऐसे ऐसे उठा के? नहीं 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 नहीं, देखो ऐसे करना है, एक एक दिखा देता हूँ। देखो ऐसे रखना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। देखो जी ये हो गया। चलो कोई बात नहीं, पापड़ तो बहुत है हमारे पास, एक से शुरुआत करते हैं। ओके ठीक है। ओके सर चलो There you go. चलो जा बेटा सुली पे। वेरी गुड। अच्छा तब तक अमृता का टेस्ट लेते हैं। हींग पकड़ाना जरा। अरे एकदम परफेक्ट। देखो लड़की देखो सुगढ़ गृहिणी। वाह 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 बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। अब जीरा दीजिएगा। देखो वो देखो सब परफेक्ट। ये देखो पापड़ किसको आ गया। अब थोड़ा सा अदरक लहसुन प्याज सब। ये अदरक, ये अदरक ये आप करा रहे हो ना आज, ये सर आइकॉनिक मोमेंट है, है ना? बिल्कुल सर। अब ये देखो कैसे मतलब, और हाँ क्या बात है। ये देखो सर, ये देखो इसके भैया स्टिल शॉट ले लो, पोस्टर बनवा के लगाओ इनके। मेरी माँ को भेजो। हाँ माँ देख तेरे बेटे ने आज क्या किया। पापड़ बेलना इसी को कहते हैं। और वो भी सीखना कहते हैं। बेलना बहुत मुश्किल है। और वो भी खुद संजीव कपूर के साथ। क्या बात है, क्या बात है। वाह सर ठीक है, बहुत बढ़िया एक्चुअली, एक्चुअली कमाल है। अच्छा चलो तीन लोग हैं, पापड़ दो, बहुत बेइंसाफी है। एक और पापड़ का ये है ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा मैं कह तो तुम्हें रहा था वैसे। मैं नहीं था अभी, तो मैंने तो सेक दिया ना अपना वाला। अच्छा चलो कोई नहीं। वाह ये तो बड़ी स्पीड से कर रही है। ये देखो सीखो 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 सीखो, ये जलने वाला है सर अभी, आपको पता नहीं है क्यों ये काला इसके जो 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 उसको क्या कहते हैं। देखो ये देखो ये जलेगा वो तुम खाओगे। जल तक तुम रहे हो मेरी स्पीड से। एकदम फिल्मी डायलॉग आया है। ये कोई ना बात, आप एक बार ये तीनों पापड़ रखें इस पे क्लोज कैमरा दिखाएं और कमेंट में बताएं कि सबसे ज्यादा खूबसूरत पापड़ किसका है। देखो मेरा ना, ये देखो ये तो आज भी रहा है। ये स्माइली पापड़ आज के व्हाट्सएप के जमाने में, ये स्माइली पापड़। अच्छा चलो थोड़ा मिर्च भी डालते हैं, थोड़ा तीखा। और अब ये जो हमारे पास में है खिचड़ी, एक्चुअली हमने कहा तो था कि पालक वाली खिचड़ी। पालक का प्यूरे, प्यूरे एकदम बढ़िया से हरे रंग वाली। हम दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट है ये, बिकॉज ए वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, व्हाट यू हैव डन फॉर योरसेल्फ एंड व्हाट यू हैव डन to the lives of many chefs in the country. और आज आपके साथ खड़े होके हम वो डिश खिचड़ी जिसने हमको एक साथ बांधा है, आज दिस इज लाइक आइकॉनिक, टू मच टू मच। या खिचड़ी बहुत पसंद आती है, खिचड़ी आपको अपना बना लेती है। बिल्कुल वाह क्या भाई ये डायलॉग मतलब हां टेस्ट गो फॉर। मैं तो क्योंकि आपकी वो है Amazing. 2009 में, 2009 के लिए। मतलब this khichdi with the palak, it's tasting a little like pasta. सोतो टाइप लग रहा है। वैसे ही लग रहा है बिल्कुल। या या या। बहुत मजा आया, बातें स्वादानुसार। बिल्कुल सर। इसी तरह से आप खुश रहें, आबाद रहें, यहाँ रहें, गाजियाबाद रहें। नहीं बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। हमारी ये आपसे पहली मुलाकात हुई है और उम्मीद करते हैं कि ये एक सिलसिला जो आज से शुरू हुआ है बस यूं ही आगे बढ़ता जाए। एंड वी विश यू द बेस्ट बिकॉज यू हैव मेड आवर कंट्री प्राउड, सो थैंक यू सो मच। प्राउड ऑफ यू टू। आप इसी तरह से एंड कपल ऑफ थिंग्स सब्सक्राइब नाउ। या गला सूख गया है मेरा। नहीं कोई बात नहीं, पानी दो लेकिन पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, जल लीजिए, जल लीजिए, जल दीजिए। एक्चुअली दे दो कह रहे हैं। तेज आग आपके साथ खेली जाए, हिंदी मीडियम में है ना हम लोग, तो वो पहले सुना है बड़ा तेज आग। तेज आग
एक आप इतना दुनिया भर घूमिए क्या बकवास कुछ भी कुछ बोलते हैं ये रेडियो थोड़ी है इसको कहते हैं दिल चलो लाओ दूसरी चीज लाओ तुम्हारा दिल ऐसा तो नहीं ओके बाय थैंक यू हटाओ वो लाओ